गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम है एंड यहाँ पे हम लोग ये जो प्लेस आप देख पा रहे हैं ये है हमारे कैंपस है जो हम जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो जनरली हम लोग मॉर्निंग पे आते हैं यहाँ पे वॉक करने के लिए। तो जैसे कि भुवनेश्वर में अभी ठंड कम हो गया है तो मॉर्निंग में थोड़ा निकल रहे हैं। अभी पहले जैसे कि थोड़ा ज़्यादा ठंड था तो मॉर्निंग के टाइम बहुत ज़्यादा पीस एंड काम रहता है तो इसीलिए थोड़ा बाहर आना अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारे साथ साइन भी आया हुआ है वॉक करने के लिए। तो बस ऐसे ही सुबह आ गए हैं तो चलिए आज का डे स्टार्ट करते हैं। होप कि आज का डे बहुत अच्छा जाएगा आप सबका भी। तो चलिए आज का डे स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आज बहुत टाइम के बाद ब्लॉग स्टार्ट हो रही है एंड वो भी घर से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हूँ क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है मैं बैंगलोर में थी कुछ टाइम। तो जैसे कि बैंगलोर का ब्लॉग आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, चैनल में है। बैंगलोर में बहुत सारे जगह हम लोग घूमे, स्ट्रीट शॉपिंग था, ऐसे ही बहुत कुछ मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है तो जाके एक बार देख लीजिए। एंड उसके बाद भुवनेश्वर में आने के बाद, भुवनेश्वर में आप सबको पता है कितना कुछ इवेंट चल रहा था, जैसे कि हॉकी वर्ल्ड कप एक था, डॉट फेस्ट था, खंडगिरी मेला, सिसरा सरासा, ये सब बहुत चारों तरफ कुछ ना कुछ इवेंट चल रहा था। एंड मुझे थोड़ा अच्छा लगता है चारों तरफ घूम के देखना क्या कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उस सब का भी ब्लॉग मैंने डाला हुआ है चैनल पे। तो अगर आप नहीं देखे हैं ये सब जितना भी इवेंट भुवनेश्वर में हो रहा था उसका सारा ब्लॉग चैनल में है, उसे भी देख लीजिए। बस यही सब है। एंड उसके बाद यहाँ पे मतलब जैसे कि भुवनेश्वर में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स है, फैमिली भी हमारे यहीं पे है, तो अभी जैसे कि शादियों का सीजन है तो कहीं पे मतलब कुछ ना कुछ फंक्शन रह जाता है। और बस इसी सब में थोड़ा मतलब इधर उधर में रह गई थी तो आज बहुत टाइम के बाद सोची कि नहीं एक बार आपसे बात कर लेती हूँ। तो बैंगलोर के आने के बाद आपसे बात नहीं की, वैसे तो ब्लॉग डाला हुआ है और अलग सब वीडियो का, बट ऐसे बैंगलोर का एक्सपीरियंस कैसा था क्या नहीं और क्या बताऊँ, जैसे कि बहुत ही अच्छा लगा बैंगलोर का मतलब घूमने, जो मतलब टूर था वो सब बहुत अच्छा लगा। पहले भी मैं बैंगलोर गई हुई थी बट इस टाइम जैसे कि मैं ब्लॉगिंग करने से पहले मतलब बैंगलोर गई हुई थी बट जब आफ्टर हाँ ब्लॉगिंग करने के बाद मैं बैंगलोर नहीं गई थी। तो ये सारा कुछ जितना भी एक्सपीरियंस था वहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग और भी कहाँ कुछ हम लोग घूमे, तो जैसे कि आप सबको पता है मेरी छोटी बहन बैंगलोर में रहती है तो हम दोनों बहुत एंजॉय किए इस मतलब ट्रिप को, तो शॉपिंग भी उसके साथ हुआ। तो चलिए मैं आपको आज बताती हूँ बैंगलोर से मैं क्या क्या लेके आई थी। और जैसे कि आप सबको पता है बैंगलोर में आइकिया का विजिट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत मतलब बहुत टाइम से मैं एक्चुअली सोच के रखी थी कि बैंगलोर जब जाऊँगी तो आइकिया विजिट करूँगी। तो आइकिया से मैंने एग्जैक्टली क्या क्या ली, बहुत कुछ चीज़ तो बैंगलोर से ली हुई हूँ बट आइकिया से मैंने क्या क्या चीज़ ली हुई हूँ चलिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। तो जैसे कि जब मैं आइकिया विजिट की तभी मुझे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले पाऊँगी भुवनेश्वर, मतलब जैसे कि ट्रैवल कर रही थी फ्लाइट में इतना सामान लेके आना थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट था, तो मैंने बहुत कम चीज़ लिया है। वैसे तो शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है बट फिर भी सब कुछ देखते हुए थोड़ा कम करना पड़ा, जैसे कि मैं बाद में कभी जाऊँगी नहीं तो वहाँ पर मेरी सिस्टर रहती है तो उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी तो कभी कभी आती है, अभी बीच में आएगी तो कुछ लेके आ जाएगी, बट इस बार मैंने क्या लेके आई हूँ उसे दिखाती हूँ। तो ये एक ऑर्गेनाइजर सेट है यहाँ पे, ये 4 पीस का एक ऑर्गेनाइजर सेट है। तो जैसे कि इसे मैं मतलब बात करने के बाद आपको दिखाऊंगी पूरा ओपन करके। इसका प्राइसिंग है 839 है, ये एक बार पहले दिखा देती हूँ फिर उसके बाद आपको एक एक करके ओपन करके दिखाऊंगी। एंड ये एक नैपकिन होल्डर है जिसका प्राइस है 523, मतलब जैसे कि आइकिया में जैसे बोलते हैं ना बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छा सामान मिलता है एग्जैक्टली। तो और यहाँ पे एक घर सजाने के लिए ये 2 एलिफेंट गोल्डन कलर के और इसका प्राइस है 873, मतलब 8730।
और जैसे कि अभी समर आ रहा है तो मैं ये एक्चुअली बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, मिल रहा था बट उस दिन मैं वहाँ पे थी तो बस पिक कर ली। तो ये 348 की ये आया मुझे, और ये एक प्लेट मल्टी कलर की प्लेट है जिसमें वगैरह कभी बनाती हूँ समर में तो ये सब चलेगा। तो ये मुझे उसी पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा लगा ये प्लेट। ये एग्जैक्टली 6 प्लेट है और ये मल्टी कलर की है, और यहाँ पे एक प्लेट होल्डर है ये। तो ये काफ़ी टाइम से भी ढूंढ रही थी, यहाँ पे मिल रहा है बट आइकिया में थी तो मैं सोची कि चलो ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं ले पाई हूँ। और बाकी ये दो ऐसे ही इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दिया है लाने के बाद, तो ये ऐसे ही मतलब रखा हुआ है। और बाकी मैंने ये तो आइकिया से नहीं, ये बाकी मैंने बैंगलोर से ये कॉफ़ी लाई थी क्योंकि दीपक को बहुत ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी। तो यहाँ पे ये एक फ्रेंच रोस्ट की कॉफ़ी है, और ये कुछ प्योर लिखा हुआ है, ये एक अरबिक कॉफ़ी फिल्टर कॉफ़ी है। तो ये दो लेके आई थी, एक्चुअली और भी एक है बट वो मतलब ये खोल के हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे 3 पैकेट लाई हुई थी अलग अलग। और ये सब के बाद मैंने कुछ कपड़े का शॉपिंग किया था, जैसे कि आप सबको पता है मुझे साड़ियों का बहुत शौक है, तो यहाँ पे मैंने 4 साड़ी लाई हुई थी। यहाँ पे ये एक रेड एंड गोल्डन कलर की है, एकदम प्लेन है, और ये जो गोल्ड कलर का है ये पल्लू है, मतलब इसका तो दुपट्टा है, और बाकी साड़ी ऐसे ही कुछ दिखेगा। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी ऐसे प्लेन बॉडी रहेगा, और ये मतलब कुछ काम होगा, ये मतलब सिल्क है तो ये बस कोई भी फंक्शन हो गया, अभी तो फंक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है तो उसी पर्पज से ये लेके आई थी। और इसके बाद सेम डिज़ाइन का तो नहीं बट सेम पैटर्न का है ये, ये एक ब्लैक एंड गोल्डन कलर की ये है, ये एक ब्लैक एंड गोल्डन कलर की, ये भी सेम पैटर्न में है, इसका पल्लू में काम है और ये बॉडी पूरा एकदम प्लेन है। ये कोई मतलब इवनिंग में कहीं पे फंक्शन हो गया कुछ है, मतलब नाइट में कहीं पे पहन के जाने के लिए इस तरह से। मेरे पास एक्चुअली मैं बहुत ब्लैक कलर कम यूज़ करती हूँ बट कभी कभार थोड़ा यूज़ करना अच्छा लगता है, तो इसीलिए बस एक ही कलर ये लेके आई हूँ। और एक ये है, ये एक रेड एंड वाइट का, मतलब रेड वाइट पूरा एकदम पूरा प्लेन है एंड रेड बॉर्डर है, तो इसे बस मैं लेके आई थी, बस ऐसे कुछ पूजा वगैरह कभी होगा तो इसे यूज़ करने के लिए। वैसे तो मैं ब्लैक वाइट बहुत कम यूज़ करती हूँ बट फिर भी एक लेके आ गई थी, ऐसे ही कुछ इसका ये है, ऐसे कुछ इसका नीचे वाला बॉर्डर है, और मैंने इसे सही में खोल के भी नहीं देखा है, और इसका पल्लू ऐसा ही है। व्हाइट कॉम्बिनेशन में ये पूरा है, रेड के ऊपर ये गोल्डन का कुछ मतलब काम है, तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा। ये एग्जैक्टली व्हाइट नहीं, ये क्रीम कलर की है, मतलब लाइट लेमनिस कलर ये है। और एक साड़ी लाई हूँ बट कुछ फंक्शन है तो इसलिए मैंने बुटीक में दिया हुआ है इसका ब्लाउज पीस करने के लिए, ब्लाउज स्टिच हो जाएगा तो मैं आपको कभी बाद में दिखाऊंगी कौन सा वाला साड़ी, वो कांचीपुरम साड़ी है तो अभी एक फंक्शन है तो उसके लिए मैंने तैयार की करने के लिए दी हुई थी। तो बस यही सब है, तो बस और क्या बताऊं, तो चलिए बस यही सब है बैंगलोर का शॉपिंग मैंने आपको दिखाया, और भी थोड़ा थोड़ा कुछ मतलब जितना भी ड्रेस वगैरह लेके आई थी वो सब मैंने यूज़ कर लिया है। तो जनरली वो डेली यूज़ का कुछ कपड़ा था जो मैंने लेके आई थी, मतलब ऐसे यूज़ करने के लिए डे टू डे में, तो ये
सब मैंने अभी तक यूज़ नहीं की हूँ, तो ये आपसे मतलब रखने के लिए, मतलब आपसे दिखाने के लिए रखी हुई हूँ। अभी आपको एक बार इसे दिखा दूँगी, फिर उसके बाद यूज़ करूँगी। तो चलिए गाइस, होप कि आप सबको ये पसंद आया है। तो चलिए मैं इसे पहले अनबॉक्सिंग करती हूँ, जितना भी मतलब ये सामान है, फिर बाद में देख। सो यहाँ पे मैं ये जो ऑर्गेनाइज़र ओपन कर रही हूँ, ये 5 सेट की ऑर्गेनाइज़र है। 3 स्मॉल बॉक्सेस में है एंड एक लंबा वाला है और एक स्क्वायर में है। तो इसे देखते हैं बाद में इसका क्या यूजेस रहेगा। पहले तो जो छोटे 3 बॉक्सेस है उसे मैं बाथरूम में यूज़ कर रही हूँ, और ये लंबे वाले को भी बाथरूम में ही यूज़ करूँगी। एंड ये जो बड़ा वाला बॉक्स अभी है तो उसका यूज़ कहाँ पर करूँगी फिर ये बाद में देखते हैं। और यहाँ पे ये टिश्यू पेपर होल्डर है, तो ये डाइनिंग टिश्यू पेपर होल्डर है, तो इसके लिए जो साइजेस चाहिए वो अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो बाद में मैं इसके साइज़ के टिश्यू पेपर लेके इसके साथ में रख दूँगी। इसकी ये जो डिज़ाइंस है, ये जो फ्लावर डिज़ाइंस और जो व्हाइट कलर में है, ये सबसे मुझे बढ़िया लगा। और इसकी यूजेस तो बस अभी से शुरू मतलब हो जाएगा, क्योंकि समर आ रहा है तो कुल्फ़ी तो ज़रूर बनेगा और इसका यूजेस बहुत ज़्यादा होगा इस समर में। तो चलिए इसी सब के साथ मैं ये सबको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो इसी के साथ ही आज का ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।